गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी क्या है? ईश्वर की मर्जी। देखिए वैसे यहाँ जो भी होता है सब के सब ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन एक छोटा सा कहानी है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा। एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा था, जो अपनी माँ के साथ पड़ोस की दुकान पर कुछ खरीदने जाता है। उसकी माँ जाती है एक्चुअली ख़रीदने के लिए, बच्चा उसके साथ जाता है। बच्चा जब दुकान पे जाता है तो दुकानदार जो है वो बच्चे की मासूमियत को देख करके कहते हैं वो कि बेटा कुछ टॉफियाँ ले लो, और बच्चे के सामने वो अपना टॉफ़ी का जो डब्बा होता है उसको खोल कर रख देता है। बट क्या है ना कि बच्चा टॉफ़ी लेने से इनकार कर देता है। दुकानदार और उसकी माँ दोनों ही बच्चे को बहुत बोलता है कि बेटा कुछ टॉफियाँ ले लो, पर बच्चा जो है एकदम मना कर रहा है कि हम टॉफ़ी नहीं लेंगे। पर क्या है ना कि फिर भी जो है दुकानदार फिर भी अपने मन से कुछ टॉफियाँ निकाल करके बच्चे के पॉकेट में डाल देता है। तब बच्चा खुशी खुशी रख लेता है। जब वो रास्ते में आता है तो उसकी माँ जो है बच्चे से पूछती है कि बेटा जब दुकानदार अंकल कह रहे थे कि खुद से टॉफ़ी ले लो तब तुमने नहीं लिया, पर वो जब खुद से दे दिए तब तो तुम ले लिया, ऐसा क्यों? तो बच्चे ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया कि देखो माँ, अगर हम खुद से टॉफ़ी लेते तो मुश्किल से 2-3 टॉफ़ी ही मेरे हाथ में आता, क्योंकि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। पर अंकल अगर खुद से हमको दे दिए तो बहुत ज़्यादा टॉफ़ी हमारे पास आ गया। है ना मज़ेदार बात? बच्चे का सोच देखिए वहाँ पे, अगर वो खुद से लेता तो मुश्किल से 2-3 टॉफ़ी आता, ये बच्चे ने कहा। बट अंकल, दुकानदार अंकल उनको दिए तो उनके पास उससे ज़्यादा टॉफ़ी मिल गया। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी यही होता है कि जब हमें ऊपर वाले देते हैं ना तो वो कहीं हमारे समझ से बहुत ज़्यादा होता है ना। इसलिए हमें बस अपने काम को ईमानदारी से करना है और फल जो है हमको निश्चित रूप से मिलेगा, और वो फल उतना मिलेगा जितना कि हम उसका कल्पना भी नहीं किए होंगे। क्या है ना कि हो सकता है कि भगवान जो है ईश्वर किसी दिन हमारे लिए पूरा समुद्र लेके बैठा हो और हम एक छोटा सा चम्मच पकड़ के बैठे रहेंगे कि हमको बस इतना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए बस ईमानदारी से काम करिए और निश्चित रूप से जो है हमारा जो फल है वो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलेगी। होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।